फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। अब फॉर्मल लेटर एज अ फॉर्मेट विच नीड टू फॉलो, एक फॉर्मेट होता है बाकायदा, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, उसको फॉलो करके एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, दूसरे नंबर पर डेट, तीसरे नंबर पर नेम या डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेसी, चौथे नंबर पर एड्रेस ऑफ एड्रेसी, पांचवें नंबर पर सैल्यूटेशन, छठवें नंबर पर सब्जेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सातवें नंबर पर बॉडी। बॉडी के अंदर अलग अलग तीन पैराग्राफ आते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, दूसरे में कंटेंट जो भी बात है वो, और फिर आता है तीसरे में कंक्लूजन। एट्थ नंबर पे आती है कंप्लीमेंट्री क्लोज, नाइन्थ नंबर पर आता है सिग्नेचर ऑब्लिक नेम ऑफ सेंडर, और लास्ट में आता है डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, इसमें भी सात टाइप्स हैं, जैसे कि पहला लेटर होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, ये फॉर्मल रूप में होता है। दूसरा लेटर है ऑर्डर लेटर, ये भी फॉर्मल होगा। लेटर ऑफ कंप्लेंट, इसमें भी फॉर्मल होगा, रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, जो कंप्लेंट की गई उसका रिप्लाई दोगे वो भी फॉर्मल लेटर में आएगा। प्रमोशन लेटर, ये भी फॉर्मल में आएगा। सेल्स लेटर, ये भी फॉर्मल लेटर रहता है। और रिकवरी लेटर, ये भी फॉर्मल लेटर रहता है। तो सात तरह से फॉर्मल लेटर अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें पहला ए, लेटर ऑफ इंक्वायरी, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, जब हमें किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी हो, उसके सोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए हो, या किसी जॉब या किसी चीज का प्राइस या किसी चीज प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, तो वहाँ पर हम लेटर ऑफ इंक्वायरी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ लेटर इज द सोर्स ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी उसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीपल यूजली यूज अ लेटर ऑफ इंक्वायरी एज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर, ठीक है। अ लेटर ऑफ इंक्वायरी हेल्प्स अ पर्सन टू हैव इंफॉर्मेशन लाइक सम कोर्स, जॉब इंक्वायरी, प्राइसेस ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट, टर्म्स एंड ऑर्डर और वर्किंग एग्रीमेंट ईटीसी, वन मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। लेकिन कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिखते हैं। पहला पॉइंट, गिव अ वेरी इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट, इंक्लूड द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ पॉसिबल। तीसरा पॉइंट है, प्रोवाइड क्लियर डिटेल अबाउट द एरिया ऑफ इंक्वायरी। चौथा पॉइंट है, प्रेजेंट योर क्वेरीज एंड डाउट इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। पांचवा पॉइंट है, मेंशन द डेडलाइंस बाय व्हिच यू नीड द इंफॉर्मेशन। इधर पर जो पॉइंट दिए गए हैं पांच, इसमें पहले पॉइंट का जो मीनिंग है कि खुद के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, उसके बाद जो डेट है वो डालेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी, फिर एरिया ऑफ इंक्वायरी कि क्या आपको पूछना है किस चीज के बारे में, फिर प्रेजेंट योर क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज है वो प्रेजेंट करेंगे, एंड डाउट इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, और जो भी डाउट है उन्हें आप पूछोगे लेटर के माध्यम से। मेंशन द डेडलाइंस व्हाई विच यू नीड द इंफॉर्मेशन, और लास्ट में हम मेंशन करते हैं कि हमने को क्यों जरूरत थी इस सब चीज की पूछने की। तो जैसा कि यहाँ एक लेटर लिख के दिखाया गया है, फॉर्मल लेटर है, कि किस तरह से हम लेटर को लिखेंगे। पहला, जैसे सबसे पहले लिखा है 16 रिंग रोड नागपुर 01, तो इन्होंने पहले अपना एड्रेस लिखा है, फिर डेट डाली है, फिर लिखा है जिस क्लास के, जहाँ इनको जानकारी चाहिए, जिससे द डायरेक्टर एबीसी क्लासेस, फिर उसका एड्रेस लिखा है कहाँ है क्लास वो। उसके बाद डियर सर, सैल्यूटेशन आया, फिर सब्जेक्ट आएगा इंक्वायरिंग अबाउट कैट कोचिंग क्लासेस, जो भी जिससे संबंधित जानकारी चाहिए। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई आपकी, तो इन्होंने जैसा कि लिखा है, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकली थी आपकी कोचिंग के बारे में जानकारी फॉर केट कोचिंग क्लासेस के लिए। आई हैव पासेस द बीएससी डिग्री एग्जामिनेशन विद स्टैटिक्स एज मेन सब्जेक्ट, इन्होंने बताया जैसा कि बीएससी एग्जाम पास किया है, ठीक है। तो आई एम कीन ऑन ज्वाइनिंग योर इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग क्लासेस, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपकी कोचिंग क्लासेस को। दूसरा पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा,
कि आपसे पूछा गया पूछा है कि इसकी प्रोसेस क्या है। काइंडली लेट मी नो अबाउट द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इट्स डेट। आई वुड आल्सो लाइक टू नो ड्यूरेशन ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम। टाइम जानना चाहता हूँ एंड द ड्यूरेशन एंड द नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक अलॉन्ग। और एक वीक में कितनी क्लासेस लगेंगी वो जानना चाहता हूँ विद द अवेलेबल मोड ऑफ क्लासेस। ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द फीस पेबल एंड द स्टडी मटेरियल इज हाईली अप्रिशिएटेड। वुड यू प्लीज सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव। जो आपका प्रोस्पेक्टिव है खाका है जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो वो हमें भेज दीजिए। आई वुड लाइक टू इनरोल एज सून एज पॉसिबल। मैं आपके दर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा जितना जल्दी हो सके। योर अर्ली रिस्पॉन्स विल एनेबल मी टू डिसाइड फास्ट। आपका जल्दी ही जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसी पर निर्भर करता है। थैंकिंग यू विद काइंड रिगार्ड्स एक्स वाई जेड। इस पूरे लेटर में दिया दिखाया गया है कि सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा अपना, फिर डाला है यहाँ पर डेट, फिर लिखा है एड्रेस जिससे हमें जानकारी चाहिए है, फिर हमने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट डियर सर, उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इंट्रोडक्शन दिया है कि मैंने पहले क्या किया है और मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर जो है वो उन्होंने वो दिया है कि हम आपके इधर जानकारी चाहते हैं कि आपके इधर कोई टेस्ट वगैरह हो रहा, किस डेट पे हो रहा है, आपके इधर क्या ड्यूरेशन है, कोचिंग का क्या फीस है, इस डिटेल को लिया है। लास्ट में बताया कि अगर आप इन्फॉर्मेशन हमें सही टाइम पे दे देंगे, जल्दी दे देंगे, तो मैं आपके इधर इन्वॉल्वमेंट ले सकता हूँ।